32 साल पुराने मामले में जैसे ही पप्पू यादव को आज मधेपुरा कोर्ट में बेल मिला, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आज उसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष विशंबर यादव के नेतृत्व में पुअर होम में ब्लाइंड दिव्यांग बच्चों के बीच लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव, प्रोफेसर गंगा प्रसाद, जिला प्रवक्ता शुभम सिंह, युवा नगर अध्यक्ष रोशन झा, उमेश सरवन, कार्यकारी जिला अध्यक्ष के साथ सद्दाम हुसैन, अन्य कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत और मैं दरभंगा से सुमित कुमार झा। जिस तरह से 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव, जो कि लगातार 4 महीने से ऊपर जेल में बंद थे और अपनी इलाज से बेहतर स्वास्थ्य के लिए DMCH में भर्ती थे, लेकिन आज उन्हें मधेपुरा कोर्ट में पेशी किया गया और पेशी के क्रम में उन्हें बेल मिल गया और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर पूरे बिहार में दौड़ गई है। उसी क्रम में आप यहां तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर कार्यकर्ता और जो जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव जी, सभी लोग यहां बच्चों के बीच में लड्डू बांट करके अपने खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों को खुशी का एक लहर दौड़ चुका है। इसी क्रम में अभी हम पुअर होम ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर उस बच्चों के बीच में ये खुद अपने हाथों से लड्डू वितरण कर खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे का लाइन लगा हुआ है और ये लोग बच्चों के बीच में लड्डू बांट रहे हैं और हम इनसे सीधा संवाद करेंगे कि मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, जो कि 4 महीने से जेल में बंद थे लेकिन आज उन्हें न्याय प्रक्रिया के दरमियान बेल मिला, तो इन लोगों में कितनी खुशी है और ये आगे बिहार में किस तरह की राजनीति और रणनीति को देखते हैं अपने पार्टी की ओर से। यहाँ पे देखिए स्कूल के जो टीचर हैं वो भी मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर और सभी लोगों के बीच में लड्डू वितरण किया जा रहा है। कहीं मतलब कोई ये नहीं, सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। हम एक संवाद करेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव जी, हम उनसे बात करेंगे जी, किस तरह का आज बिल मिलने पर खुशी मिल रही है सर? देखिए, लगातार कोरोना के काल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता की सेवा कर रहे थे, जहां सरकार और विपक्ष के सभी नेता अपना पल्ला झाड़ चुके थे, लोग को बेसहारा छोड़ दिए थे, जनता मर रही थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी, न अस्पताल में कोई तरह का साधन था, न एम्बुलेंस का व्यवस्था था। उसी बीच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी मसीहा बनकर के उभरे और कोरोना के काल में पूरे बिहार और देश के लोगों को सेवा करने का काम किया, दवा पहुंचाने का काम किया, रेमडेसिविर दवा, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, सभी तरह का व्यवस्था जहां सरकार विफल हो रही थी, यहां तक कि सरकार के मंत्रिमंडल के लोगों को भी जहां सरकार नहीं बचा पा रही थी वहां पप्पू यादव के पास उनके मंत्रिमंडल के लोग जाके पहुँच रहे थे और दवा ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे अपने परिजन के लिए। इसी बीच हमारे नेता को जानकारी मिला कि एक जहां एम्बुलेंस के अभाव में लोग मर रहे हैं, पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने में असुविधा हो रही है, वहीं एक सांसद, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी अपने घर में कई दर्जन एम्बुलेंस छुपाकर कर रखे हुआ था, मिली सूचना के मुताबिक हमारे नेता वहां पहुंचे और उसका उद्भेदन किए। उस आरोप में हमारे नेता को केंद्र और बिहार की सरकार मिल करके पिछले 5 महीना से सलाखों के पीछे बंद किए हुए थे। आपके जानकारी में होगा कि पप्पू यादव जी पर कोई मामला नहीं था, वो 32 साल पुराना मामला बताया जा रहा था, जो मामला था ही नहीं। उस फर्जी मामले में और बेलटूटी के मामले में पप्पू यादव जी को इतने दिनों से 5 महीना से बंद करके रखा गया था और आपको जानकारी में होगा कि देश के एक से एक लुटेरे, यहाँ तक कि जो बड़े से बड़े कुकर्म करने वाले को तुरंत जेल बेल मिल जाता था, लेकिन हमारे नेता को आज पिछले 5 महीना से जेल में बंद करके रखा हुआ था और न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा था, आज न्यायालय से हमारे नेता को न्याय मिली है और उसी के खुशी में हम लोग, हमारे जन अधिकार पार्टी के लोग और हमारे युवा जिला अध्यक्ष विशंबर यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पुअर होम में आकर के ब्लाइंड छात्रों के समक्ष मिठाई वितरण करके हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बात तो कहीं ना कहीं सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 4 महीने से 5 महीने से जेल में बंद थे किसी एक पार्टी के, और पप्पू यादव वही शख्स हैं कि कोरोना
के पहले फेज से लेकर के दूसरे फेज तक लोगों के बीच रहे हैं, यहाँ तक कि शमशान घाट से लेकर के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लोगों के घर तक। आइए हम यहाँ पे युवा जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानेंगे कि बेल मिलने पर इन लोगों में कितनी खुशी की लहर दौड़ी है और बिहार की राजनीति को अब किस ओर देखते हैं। आज जितने भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं कहीं खुश नहीं है। आज बिहार के वह लोग जो गरीब असहाय जिसका कोई देखने वाला नहीं था, जब पप्पू यादव रहते थे हर चीज़ से, वह कोरोना हो, बिहार में चमकी हो, बाढ़ हो, हर समस्याओं में लोगों को घर तक पहुंचते थे और लोगों की समस्या दूर करते थे, आर्थिक मदद करते थे, हॉस्पिटल पहुंचते थे, हॉस्पिटल में दवा ऑक्सीजन हर चीज़ संभव मदद करते थे जी। वे आज बिहार नहीं पूरे देश के ऐसे व्यक्ति आज खुश हैं जो आज सरकार ने एक फर्जी साजिश के तहत पप्पू यादव को जो 32 वर्ष पुराने केस में 5 महीनों से जो बंद करके रखे थे, आज वह झूठा साबित हुआ, न्यायालय में सच्चाई की जीत हुई और बाइज्जत बरी होकर आज हमारे आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी दरभंगा आ रहे हैं। उन्हीं के खुशी में आज हम लोग यहाँ पुअर होम में ब्लाइंड छात्रों के बीच मिठाई बांटकर खुशी हुआ। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव फिर से अब उसी रंग रूप में नजर आएंगे जिस हिसाब से उन्होंने जय जनता की सेवा की? पप्पू यादव सेवा का दूसरा नाम है पप्पू यादव जी। आप देख सकते हैं जब हमारे नेता 5 महीना से जेल में था तब भी पूरे बिहार में बाढ़, पूरे बिहार में विकराल रूप था, हर जिले बाढ़ से प्रभावित थे जी। और पूरे लोगों को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ में पानी में जा कर लोगों का मदद करने का काम किया जी। तो पप्पू यादव तो हमेशा लोगों का सेवा किए हैं, वह संकट हो या जो भी समस्या होता है लोगों को सेवा करने का कार्य करते हैं। जो पप्पू यादव करते आ रहे हैं वह फिर आज से शुरू हो जाएगा, करते रहेंगे। देखिए जो पप्पू यादव करते आए हैं सेवा, वो लगातार सेवा। पप्पू यादव जेल में थे तो भी जन अधिकार पार्टी के, और आपने हमारे ही चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि युवा जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव जी सभी लोग लगातार बाढ़ में भी लोगों के बीच में रहे हैं, और पप्पू यादव निकले हैं तो फिर उसी अवतार में उसी अंदाज में लोगों के बीच सेवा करेंगे। दरभंगा से सुमित कुमार झा की रिपोर्ट। R9 भारत के लिए सुमित झा की रिपोर्ट दरभंगा से।